यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वाराणसी से लेकर जौनपुर तक कई अस्पतालों का किया निरीक्षण। सिद्धार्थनाथ सिंह ने की स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा। कई सालों से एक जगह डटे डॉक्टरों पर अब योगी सरकार हुई सख्त। जल्द बनेगी डॉक्टरों की लिस्ट, सॉफ्टवेयर के जरिए होगी डॉक्टरों की तैनाती। राजस्थान सरकार भी कर रही डॉक्टरों के ट्रांसफर का मंथन। सीएम वसुंधरा राजे ने कलेक्ट्रेट सभागार में ली अधिकारियों की बैठक। जल्द हट सकता है तबादलों पर लगा बैन। और बिहार में बनेगा दूसरा एम्स। 200 एकड़ जमीन तलाश रही नीतीश सरकार। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार को लिखा लेटर। स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। अगर आप भी दांतों की समस्या से परेशान हैं तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग दांतों की समस्या से परेशान होते हैं और दांत न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि आपके लुक, आप कैसा दिखते हैं, उसे सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं। इसलिए दांतों की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दांतों से जुड़ी समस्या पर दांतों की एक्सपर्ट डॉक्टर एकता चड्ढा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो तमाम सवालों का जवाब देंगी। लेकिन ये भी जरूरी है जानना कि किस किस तरह की समस्याएं होती हैं जो दांतों से जुड़ी होती हैं, जिनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ना उनके बारे में आपको ये सोचना चाहिए कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। डॉक्टर चड्ढा, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में स्वस्थ भारत कार्यक्रम में। थैंक यू प्रियंका, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल इटसेल्फ। सो जी, और हम शुरू यहीं से करेंगे क्योंकि जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां से डॉक्टर एकता चड्ढा को लेकर आए हैं, वो जगह ऐसे ही है, नाम ही स्माइल स्टूडियो है। हम आपसे यहीं से शुरू करेंगे कि आप किस किस बारे में क्या क्या हमारे दर्शकों को आज बताने वाले हैं। दांतों से जुड़ी यकीनन बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन ब्रीफ में अगर आप बता दें स्माइल स्टूडियो के बारे में थोड़ा बता दें। स्माइल स्टूडियो हमने 1997 में कॉन्सेप्चुलाइज किया था। आइडिया वॉज कि इट शुड बी वन स्टॉप प्लेस, जहां पे आप अपने दांतों की हर चीज रिलेटेड चीज से आप उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं। फ्रॉम योर स्माइल टू क्रिएटिंग अ डिम्पल, टू क्रिएटिंग डूइंग बोटॉक्स एंड फिलर्स, टू डूइंग एवरीथिंग दैट योर फेस रिक्वायर्स, इज दैट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अ मेक ओवर प्लेस, यू कम टू स्माइल स्टूडियो। दर्शकों को बता दें कि अगले आधे घंटे तक डॉक्टर एकता चड्ढा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर दांतों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम, कोई ऐसी समस्या आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है या फिर जूझ रहे हैं किसी समस्या से, कोई सवाल ऐसा जहन में है आप पूछना चाहते हो, तो हमारी फोन लाइन खुली हुई है, आप कॉल कर सकते हैं और सीधा सवाल डॉक्टर एकता चड्ढा से अपना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात है बहुत जरूरी कि जिस तरह से आपने कहा कि तमाम जो समस्याएं हैं दांतों से जुड़ी हुई, बहुत सारे क्लिनिक हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर एक्सपर्ट बैठते हैं और वो लोग देखते हैं कि हमारा नजदीकी है, हम इसको जानते हैं, जानकार है, हम वहां जाते हैं और वहां से ट्रीटमेंट लेते हैं। आपके पास क्या नया है प्रियंका? ये बहुत कॉमन है कि हर गली में हर जगह एक डेंटिस्ट है, मगर जो हम करते हैं वी डिजाइन स्माइल्स। जो हमारा फोटे है
वी डू थिंग्स बियॉन्ड डेंटिस्ट्री. जो एक चीज होती है, जैसे अगर आप नॉर्मल डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो वो आपके दांतों के नाप लेने के लिए नाप लेगा, लेकिन हम आपके जॉ को स्कैन करते हैं, एक कंप्यूटर में प्रोग्राम में डालते हैं, उसमें जो आपकी स्माइल के लिए बेहतर हो सकता है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको देते हैं. तो ये आपको हर जगह हर डेंटिस्ट के पास नहीं मिलेगा. ये कहीं भी स्कैन वाला काम अभी नहीं होता है, नहीं आपने शुरू कर दिया है, लेकिन कितने वक्त से ये चल रहा है सर? ये अभी काफी नया है और आई वॉज वन ऑफ द पाइनियर्स इन इट, बट काफी अब लोगों ने शुरू कर दिया, बट इट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, तो अभी हिंदुस्तान में काफी नया है. लेकिन अगर हम देखें इसमें और अगर जिस मैनुअल की आप बात करी थी इससे पहले, उसमें फर्क क्या होता है ट्रीटमेंट, अगर आप इस तरह देखिए एक्यूरेसी में बहुत फर्क होता है. ट्रीटमेंट स्माइल डिजाइन में जो मैं परसीव करती हूँ, आपके लिए ये ब्यूटीफुल हो सकता है मगर जरूरी नहीं है दूसरे के लिए ये ब्यूटीफुल हो. तो इट इज बेटर कि आप अपना फेस को पहले आप अपना स्माइल डिजाइन का एक प्रोग्राम में हम आपकी स्माइल दिखाएंगे कि कैसी आपके लिए हो सकती है, उसको जब एक बार ही हम आपको टेलीविजन पे दिखा दें तो उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यही चीज मैं जा रही थी या यही मैं क्योंकि मैं चाह, हो सकता है कि मैं आपको जो स्माइल दूं वो आपको पसंद ना आए, ये हो सकता है कि जो हम आपके लिए क्रिएट करें इट मे बी द बेस्ट मगर इट मे नॉट बी वॉट यू वॉन्ट. सो दिस इज समथिंग विच इज वॉन्ट बेस्ड डेंटिस्ट्री. उसके लिए पेशेंट को और हर उसकी कस्टमर की समझना बहुत जरूरी है कि उनको क्या चाहिए. हर लोगों की डिमांड डिफरेंट है, उनकी जैसे अगर मिस इंडिया है तो उसकी डिमांड डिफरेंट है, अगर नॉर्मल कोई इंसान है उसकी डिमांड डिफरेंट है. जरूरी नहीं है कि सबको सफेद दांत और बिल्कुल परफेक्ट सेट ऑफ टीथ जरूरी अच्छे लगे. हर अपनी इंडिविजुअल स्माइल का भी एक कैरेक्टर होता है जो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अभी हमारे पास एक हाल ही में एक पेशेंट थी, उसके लेटरल इंसाइजर्स मिसिंग थे, उसके कनाइंस थे, वो चाहती थी कि उसकी स्माइल वैसे ही दिखे जैसी अब दिखती है, बट उससे उसको शेप चेंज नहीं करनी थी. तो ये बहुत एक जरूरी चीज है जो एक 3D प्रिंटिंग में, एक कैड कैम स्टाइल ऑफ डेंटिस्ट्री में बहुत फर्क आ गया है, क्योंकि आप पहले उसको आप विश्लेषण कर सकते हो ठीक से कि आपको ये ऐसी स्माइल चाहिए या नहीं. एक प्रीव्यू आपके पास आइडिया के लिए रहता है. दर्शकों को एक बार बता दें कि अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी परेशानी है या शुरुआत ही आपको लग रहा है, इंडिकेशंस मिल रही है कि दांतों में दिक्कत जैसा कुछ फील हो रहा है, तो उसे नजरअंदाज ना करें, अपना फोन उठाएं और आप सवाल कर सकते हैं. डॉक्टर एकता चड्ढा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है. डॉक्टर, एक सवाल है कि दांतों से जुड़ी जब बात होती है तो लोग दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं. तो लोग वो जिनको पहले से दिख रहा है कि हमें ये दिक्कत है, हम उसी पे बात करते हैं, क्योंकि जो इंडिकेशंस मिलती हैं अगर किसी के दांतों में दिक्कत है या होने वाली है या बहुत लंबा वक्त हो गया, लोग भूल जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे. लेकिन जिनकी दिक्कत अभी दिख रही है, क्या उनको इंतजार करना चाहिए? कोई एज ग्रुप है उसके ट्रीटमेंट का या फिर वो कभी भी पॉसिबल है? देखिए, एक तो ये मैं मिथ क्रिएट जो है हमारी है कि जब तक कोई दांत में दर्द नहीं होता कोई डेंटिस्ट के पास नहीं जाता. ये चीज हमें अपनी कंट्री में सुधारनी होगी. हर जगह अब्रॉड दे से कि मिनिमम 6 मंथ्स में एटलीस्ट यू मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट. जो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो वो भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका ठीक समय पे इलाज करा सकते हैं, जो बहुत जरूरी है. प्रॉब्लम आने से पहले उसको उसका निवारण किया जाएगा तो ज्यादा आपको जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा. नहीं तो अगर आप दर्द में कराएंगे तो आपको और ज्यादा दर्द होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि डेंटिस्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है. नाम बताएं अपना और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम श्याम है, मैं उत्तराखंड रामनगर से बोल रहा हूँ. जी मैम से मेरा सवाल है कि मैम मेरे जो दांत है उसके बीच का जो हिस्सा है, बीच के जो दांत है नीचे निचले उसमें उसमें मैम कीड़े की शिकायत आई थी और उसके बाद दर्द जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया. और मैं जानना चाहता हूँ मैम इसके लिए क्या कोई स्थायी इलाज है या फिर टेम्पररी ये ठीक हो सकता है? देखिए, अगर उसमें कीड़ा ज्यादा नहीं लगा है तो उसमें दांत को फिलिंग करके, आजकल कॉस्मेटिक दांत के रंग के जैसी फिलिंग हो जाती है, तो वो तो आपका एक सिटिंग में ही ठीक हो जाएगा. मगर अगर कीड़ा ज्यादा लगा है जो एक एक्सरे करने पे ही पता चल सकता है ठीक तरह से, तो उसके बाद भी उस दांत का रूट कैनाल करके उसको बिल्कुल दांत को ठीक किया जा सकता है. क्योंकि सामने का दांत है इसलिए आपने उसको नोटिस कर लिया है, उसको जल्द से जल्द आप ठीक कराएं. चलिए, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि डॉक्टर के पास अगर आप किसी परेशानी के बिना हेल्थ रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, आप उसी बारे में बात कर रहे थे कि कैसे ये संभव होता है, लोगों को समझाना इस बारे में और बताना कि अगर आपको कोई दिक्कत है
या नहीं है, आप बार बार अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या ये इतना जरूरी है चेकअप कराना रूटीन में, जिससे आपको पता चलता रहे कि कब कब क्या क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, बहुत अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे बहुत जल्दी निग्लेक्ट हो जाते हैं, कि उनके अगर आपके दांत बाहर की तरफ नहीं हो तो आपको लगता नहीं है कि इनको किसी भी चीज की जरूरत है, और एक्चुअली में उनकी बाइट ऐसी होती है कि बड़े होके उनको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उनके नीचे के दांत बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि उनकी बाइट बहुत डीप होती है। सो इसलिए, या ऐसे भी बहुत स्टेजेस देखी गई है कि जिसमें फॉरवर्ड ग्रोइंग जॉ होता है, फॉरवर्ड ग्रोइंग मैंडिबल होता है, वो मिस हो जाता है क्योंकि आपने रेगुलर चेकअप नहीं कराया। इसलिए एक रेगुलर तरीके पे बचपन से ही एक रूटीन बनाना चाहिए कि हमें इस टाइम पे डेंटिस्ट के पास जाना है। ये तो बच्चों की बात है, मगर यही चीज लागू होती है 20 से 30 साल के लोगों में, क्योंकि एक माउथ बैड ब्रेथ की बड़ी समस्या है जो लोगों में होती है, बट अक्सर लोग सोशल कॉजेस की वजह से कोई किसी को टोकता नहीं है, तो वो इग्नोर हो जाती है कि आपकी जो मसूड़ों की समस्या है वो इग्नोर हो जाती है। उसके लिए आपको सही समय पे अगर आप अपने मसूड़ों का इलाज करा लें, वाटर पिक यूज करें, रात को ब्रश करें, तो उससे काफी समस्याओं का हल हो सकता है टाइम पे आने की वजह से। लेट 40s में और 50s में सडनली लोग कहना शुरू हो जाते हैं, बस जैसे ही मैं 40 साल की हुई तो मेरा दांत ये टूटना शुरू हो गया, क्योंकि आपने बचपन से अभी तक उसके ऊपर ख्याल नहीं दिया। चलिए, कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, नाम बताएं अपना और क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम दीना है और मैं यूके से बोल रही हूँ। मैम से मेरा सवाल है कि मेरे जो ऊपर वाले दो दांत हैं उसमें से एक दांत में पीलापन आ रहा है, तो मुझे जानना है कि इसका कोई दवाई से इलाज हो पाएगा? रीना, आपका जो ये पीलापन है खाली एक दांत पे आ रहा है, ये जो पीलापन है इसको आप नॉर्मल क्लीनिंग और पॉलिशिंग से भी हटवा सकते हैं, या सिंगल टूथ व्हाइटनिंग से भी इस स्टेन को हटाया जा सकता है। अगर ये स्टेन बहुत डीप है तो भी उसके लिए हम एक कॉम्पोजिट लैमिनेट कर सकते हैं ताकि आपके दांतों का रंग सामने का बिल्कुल सही दिखे। आप अगर किसी तरह का कोई सवाल ऐसा आपके मन में है जो आपके दांतों से जुड़ा है, किसी परेशानी से जुड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार आप ध्यान नहीं देते दांतों से जुड़ी किसी समस्या पर, हम सोचते हैं कि चलिए ये शायद आज के लिए होगा, ये एक घंटे के लिए होगा या हफ्ते में एक बार दर्द होगा, और हम भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसी ट्रीटमेंट आप कहीं से अवेल कर रहे हैं और आप उसको और बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं कि वाकई में वो ट्रीटमेंट सही हो रहा है, क्या उसका अच्छा उपचार हो सकता है, तो आप कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन खुली हुई है। डॉक्टर, एक सवाल है, मान लीजिए दांत में किसी तरह की दिक्कत है, अभी किसी को दिक्कत है ये कैसे पहचान पाएगा? मान लीजिए दांत का कनेक्शन बहुत सारी चीजों से है, आपको कैसे पता चलेगा कि अगर मेरे दांत में दिक्कत है तो बाकी बॉडी पार्ट को दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ है? बहुत सी प्रियंका, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो दांतों से रिलेटेड है कि दांतों में आपको ठंडा गर्म लग रहा है या मसूड़ों में दर्द हो रहा है तो आपको पता चल जाता है कि आपके दांतों में कोई तकलीफ है, मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको हेडेक है, आपको नेकेक है, आपको बैकेक है, मगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये सब चीजें आपके दांतों से जनरेट हो रही है, आपकी बाइट ऐसी है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रही है। उसके लिए एक एस्थेटिक सर्जन के पास आना या प्रोस्टोडोंटिस्ट के पास जाना ताकि आप अपनी स्माइल इवैल्यूएट करा सकें, अपनी बाइट इवैल्यूएट करा सकें, अपनी बाइट रेज कर सकें, उससे आपका हेडेक चला जाएगा। ये अभी तक हमें समझाने में लोगों को मुश्किल हो रही है कि दांतों का रिलेशन खाली दांतों तक सीमित नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है फोन लाइन पर, नाम बताएं अपना और सवाल पूछें। जी, पहले हम दर्शकों से कहना चाहें कि पहले जो भी लोग कॉल कर रहे हैं अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखें, उसे हमारी आवाज हमें आ रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि अगर किसी और बॉडी पार्ट को भी दांतों से दिक्कत होने वाली है तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत दिन तक सोचते हैं कि दांत में दर्द है और ऐसा कुछ हो रहा है, ये तो दिखने वाली बीमारियों की बात होगी। अगर हम बात करें आपके पास अगर स्मल स्टूल की बात करते हैं, जी एक कॉलर हमारे साथ है, जैसे सवाल पूछें अपना, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी बताएं, प्रश्न क्या आपका? दांत से एक तो स्मेल आता है सुबह और खून आता है, लेकिन हम जल्दी उसके बाद देखा था।
ऐसा है, ये जो दांतों में स्मेल आने की और ये प्रॉब्लम है, ये काफी लोगों में देखी गई है और ये काफी बहुत इग्नोर्ड प्रॉब्लम है। बल्कि 70% मैं ये कहूंगी कि जो दांतों की प्रॉब्लम है वो मसूड़ों से शुरू होती है। जो ये बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आपने बताई है, ये बहुत अधिकतर मात्रा में लोगों को सफर करते हैं, मगर उसका सही इलाज उनको नहीं पता है। ये बेसिकली जरूरी नहीं है कि ये पायरिया बीमारी से शुरू होती है, इट कुड हैपन बिकॉज ऑफ नॉर्मल थिंग्स ऑल्सो। अगर आप बहुत 2-4 घंटे पानी ना पिए, आपका मुंह सलाइवा सूख जाता है, उसकी वजह से भी मुंह में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उसकी एक स्मेल आती है, जिसकी वजह से आपको आपके मुंह में बैड ब्रेथ हो सकता है। उसके बाद दांतों में अगर आप सही ढंग से हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे और दांतों के ऊपर परत जम जाती है जिसको हम प्लाक कहते हैं, उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ आती है। खाली पेट रहने से भी, पेट की बीमारी की वजह से भी मुंह में स्मेल आती है, लिवर की बीमारी से भी मुंह में स्मेल आती है। ये कहा गया है कि माउथ इज अ गेटवे टू योर होल बॉडी सिस्टम। तो अगर आपकी अंदर की भी कोई डिजीज होगी, जैसे डायबिटीज पेशेंट को हो, सिरोसिस हो, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसकी भी स्मेल आती है। तो दांत की सफाई तो करानी आपके लिए बहुत जरूरी है, मगर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो और ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये किस वजह से आपको ये स्मेल आ रही है। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट को विजिट करने की बहुत जरूरत है जी। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्माइल स्टूडियो की, हम बात करें तो यहाँ ऐसा कितना नंबर्स होंगे, कुछ आइडिया आपको कि ज्यादातर लोग जो बीमारियां होती हैं उनको लेकर सामने आते हैं, या फिर कुछ सेल्फ कॉन्शियस लोग भी आते हैं कि हमें कुछ और बीमारी ना हो या कोई दिक्कत ना हो और बेहतर दांतों को बनाया जा सकता है, अवेयरनेस है इसके बारे में? अवेयरनेस प्रियंका, जब मैंने शुरू किया था 1997 से अब तक में बहुत अवेयरनेस आई है, लोगों में देखा गया है, चेंज हुआ है, आगे भी चेंज आया है, लोग अपने लोगों के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, पहले की तरह नहीं है मगर फिर भी इसमें बहुत। मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नाम बताएं और प्रश्न पूछें अपना। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम प्लीज अपना बंद कर दें, क्योंकि ये आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है बल्कि जो टेलीकास्ट हो रहा है वही हम तक पहुंच रहा है। नाम बताएं अपना, प्रश्न पूछें। मैडम चंदन का बोलिए। हाँ जी जी, बताइए। मेरी लड़की है, मेरा नाम डॉक्टर एकता चड्ढा है। मेरा नाम डॉक्टर एकता चड्ढा है, बताइए। हाँ जी, चंदन लिखा हुआ है। हाँ, माफ कीजिएगा, उसके लिए आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, इसका दांत जो है उसको 200 सामने का जो है टेढ़ा हो गया है, एक तरह जो है थोड़ा सा हल्का सा चढ़ा हुआ है जी। इसके लिए क्या करना होगा वही आपसे जो है? देखिए, जो एक के ऊपर एक दांत चढ़ जाता है उसको आप, जरूरी नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म ब्रेसेस की जरूरत है, उसको आप 2-3 तरीके से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, एक सिंगल डे में भी इसको ठीक किया जा सकता है, 6 वीक्स में ब्रेसेस देके, शॉर्ट टर्म ब्रेसेस देके ये आपको ओवरलैप करेक्ट किया जा सकता है, और इसके ऊपर विनियर लगा के भी करेक्ट किया जा सकता है। तो इसके काफी सारे उपाय हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप इसका सही तरीके से एक्सरे और पिक्चर आप मुझे भेजेंगे मेरे नंबर पे, तो मैं आपको इसका सही ट्रीटमेंट जो आपके लिए सूटेबल हो वो बता सकती हूँ जी। चलिए, तो प्रश्न की बात हुई, इससे पहले हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियस लोग, समझाना कितना मुश्किल होता है उनको? देखिए, समझाना लोगों को आजकल जो की जो जेनरेशन है वो यूट्यूब, टेलीविजन, इंटरनेट से काफी जुड़ी हुई है, तो वो पहले तो अपना डायग्नोसिस खुद ही करके आते हैं। सो आजकल ये प्रॉब्लम पहले से कम हो गई है, बट इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री और काफी हद तक लोगों को ये प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कराने, उनको समझाने में टाइम लगेगा, मगर आई विल से कि हम धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक इन रोड्स जी। एक कॉलर हमारे साथ है फोन लाइन पर, नाम बताएं अपना और प्रश्न पूछें। हेलो जी, मेरा नाम वर्षा है, मैंने ब्रेसेस लगवाए थे जी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे अपर टीथ से लगाए थे जी। मेरे दोनों साइड में प्रॉब्लम है स्माइल में, और उन्होंने तकरीबन एक साल में एक साल ब्रेसेस सिर्फ ऊपर ऊपर लगाए थे, नीचे नहीं लगाए थे।
वर्षा, मैं आपसे ये कहूंगी कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपका हुआ है अभी तक वो अधूरा हुआ है, क्योंकि आपके पूरी स्माइल करेक्ट नहीं हुई है। जैसे कि आप बता रही हैं कि नीचे के दांतों में भी आपको स्माइल करेक्शन चाहिए थी, क्योंकि पांच तरह की स्माइल होती है। कुछ लोगों की स्माइल होती है जिसमें खाली ऊपर के दांत नजर आते हैं, कुछ की होती है जिनमें खाली नीचे के दांत नजर आते हैं, कुछ के दांतों में आपको सारे गम्स तक पीछे तक दांत नजर आते हैं, कईयों के नहीं भी नजर आते हैं। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्माइल विंडो ऐसी है जिसमें कि आपको ऊपर और नीचे के दोनों तरफ दांत नजर आते हैं, तो आपको वो पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। चलिए कॉलर और हमारे साथ मुरादाबाद से फोन लाइन पर, नाम बताएं अपना और प्रश्न पूछें। मेरा नाम हाशिम है जी। हाँ जी हाशिम जी बताइए। मैं कह रहा था डॉक्टर साहब से मालूम करना चाहता हूँ। मैं बोलिए, तकलीफ रहती है हमेशा, मैं यहाँ कई बार डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आराम नहीं मिलता। उसमें आपको दर्द 24 घंटे बना रहता है या लेटने के समय ज्यादा होता है? मैम कभी कभी दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कभी कभी तो कि मेरा कालवा जो है वो सूजने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें पस है। आपको आशिम जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने दांतों का एक्सरे कराएं, उसमें जरूर आपको जो एपेक्स पॉइंट होगा ना दांत का, उसमें आपको पस का आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस एरिया में है। उस दांत का फिर कायदे से रूट कैनाल करा के फिर उसके ऊपर कैप लगाएं। अगर आप इसके ऊपर बहुत समय वेस्ट कर देंगे तो ये दांत आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा और इवेंचुअली आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको सही एक एंडोडोंटिस्ट के पास जाके इस दांत का इलाज कराना चाहिए। आप स्माइल स्टूडियो आइए तो हम आपका कर ही देंगे, मगर अगर आप नहीं आ सकते हैं दिल्ली किसी वजह से, तो आप अपने पास के जो भी आपको एंडोडोंटिस्ट होते हैं, जो रूट कैनाल के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, उससे आप इसका इलाज कराइए और इसके ऊपर एक रूट कैनाल करा के कैप लगवाइए। डॉक्टर एक सवाल है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को खाने पीने में तौर तरीकों में एक्सपर्ट मानते होंगे कि हम तो अच्छा खाते हैं, हम समय से खाते हैं और हम ब्रश भी करते हैं और हम ध्यान रखते हैं अपने टीथ का, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि अगर आप बेहतर कर रहे हैं उसको और बेहतर करने का रास्ता कोई है? देखिए मैंने अगर किसी से भी 90% ऑफ माय पेशेंट से मैं ये पूछती हूँ कि आप ब्रश कब करते हैं, आपसे भी पूछूंगी तो आप यही कहेंगे मैं सुबह उठ के करती हूँ और रात को सोने के बाद करती हूँ। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना बेहद जरूरी है। उस टाइम पे आपको माउथ रिंस करना, हर मील के बाद यू शुड इंश्योर कि आपके कोई जो 40% ऑफ टूथ जो खाना है वो दांतों के बीच में जमा रहता है, ऊपर ऊपर नहीं होता है, तो उसको अच्छी तरह से रिंस करके या ब्रश करके निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो दांतों के साइडों में कैविटी होना शुरू हो जाती है। और हम तो देखते हैं कि ये हैबिट भी थोड़ी चेंज हुई है अब खाने पीने की, आप कहीं भी खाना शुरू कर देते हैं तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है कि आपकी जो जिस तरह का आपका खान पान अब बदल रहा है तो उससे कुछ ट्रीटमेंट भी बदला है क्या? देखिए जो अब जैसे लोग हैं, अब पहले ये सब चीजें नहीं थी, अब देयर आर थिंग्स लाइक वाटर पिक। एक वाटर पिक एक चीज है विच इज लाइक अ बैटरी ऑपरेटेड टूथब्रश, और आप उसको स्प्रे करिए दांतों के बीच में से तो वो आपका अच्छे से निकल जाता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे अच्छे से चुल्ली करना बहुत जरूरी है, वो इसलिए कहते थे क्योंकि दांतों के बीच में जो खाना फंसा रह जाता है वो हर मील के बाद निकल जाए। तो कम से कम वाटर पिक नहीं, फ्लॉसिंग नहीं, तो अच्छे से रिंस तो कर लीजिए। एक कॉलर है हमारे साथ गुवाहाटी से फोन लाइन पर, नाम बताएं अपना और सवाल पूछें। जी मैम, मेरा नाम गरिमा शर्मा है। मैम मैं अभी मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, और जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेरा एक विजडम टीथ आता था, तो वो क्या है कि हर दो तीन मतलब साल में दो तीन बार आ जाता है, और डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो डॉक्टर ये बोलता है कि ना आपके पास में प्रॉपर स्पेस नहीं है विजडम टीथ के लिए, तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और हर छह महीनों में ये मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे ऑपरेशन से डर लगता है, तो मैम इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर जो ऑपरेशन वर्ड है ना वो किसी को भी डरा देगा, आपको क्या मुझे भी डरा देता है, लेकिन आपको बेस्ट चीज यही है कि आपको ये दांत निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपके जॉ में स्पेस है उस हिसाब से आपके पास ये एक्स्ट्रा दांत की जगह नहीं है। उसके लिए आपको ये वी से इट्स लाइक अ सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टूथ,
तो ये आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ एक चीरा लग के वो दांत निकलता है, मगर इट इज कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। इसको आप जितना जल्दी कराएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतनी बोन हार्ड और ब्रिटल हो जाती है, तो ये दांत निकालना हमारे लिए भी मुश्किल होता है और आपके लिए भी निकलवाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना टाइमली इस चीज का इलाज हो जाए वो ज्यादा बेटर होता है। एक और कॉलर हमारे साथ है फोन लाइन पर झारखंड से, नाम बताएं और सवाल पूछें अपना। मैम, मैं ऋषि बोल रहा हूँ धनबाद से। जी बोलिए। मेरी बेटी 9 साल की है, उसके आगे के 2-3 दांत निकले हुए हैं बाहर की तरफ। अच्छा, इतने उम्र में दांत निकले और उसके पक्के दांत नहीं आए? 9 साल की बेटी है आपकी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, गिर गई थी, किस वजह से सामने के दांत नहीं है? नहीं नहीं, ये बचपन से दूध के दांत तो लगभग टूट ही चुके हैं, लेकिन जो सेकेंड टाइम दांत आया वो बाहर की तरफ है। देखिए, ऐसा है कि ये हो सकता है कि ये कॉन्जेनाइटली मिसिंग टीथ का प्रॉब्लम हो, मगर एक पूरे दांतों का स्कैन होता है जिसको हम बोलते हैं ओपीजी, विच इज ऑर्थोपेंटोग्राम, पूरे जॉ का, मैक्सिला और मैंडिबल का पूरा एक्सरे होता है। उसमें ये दिख जाता है कि आपके दांत हैं, पक्के दांत हैं कि नहीं है, वो नीचे आए हैं कि नहीं, आएंगे भी या नहीं, तो उसका इलाज उसी के हिसाब से प्लान करके किया जा सकता है। जी डॉक्टर, एक सवाल है जिसके अभी बात भी कर दी गरिमा की, ऑपरेशन के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, तो क्या जिन बीमारियों के अलावा अगर हम बात करें, जो बीमारियां लोगों ने देखी हैं उनके बारे में वो जानकारी लेते रहते हैं? जी एक कॉलर ले लेते हैं फोन लाइन पर, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, नाम बताएं अपना और प्रश्न पूछें अपना। माय नेम इज रिकव एंड आई जस्ट वांटेड टू इंक्वायर। जी कि एक्चुअली आई हैव अ स्टेन ऑन माय टीथ, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता था, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कैसे वो हो सकता है? किस तरह के स्टेन्स हैं ये, चाय कॉफी के या सिगरेट या पान मसाला के, किस तरह के स्टेन्स हैं? मैम ये पान मसाला के ज्यादा है। ओके, तो वैसे मैंने क्विट की, वो 2 साल हो गए लेकिन स्टेन अभी तक है मेरे पास दांतों में। देखिए, अगर ये जो स्टेन्स होते हैं ना, 2 तरह के स्टेन्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं। इंट्रिंसिक जो होते हैं जो अंदर से होते हैं, जो आपको एंटीबायोटिक या बचपन से पानी फ्लोरोसिस की वजह से हो जाएं। जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं पान मसाला से या इससे सिगरेट स्मोकिंग से, मैं इसको कहूंगी कि आप इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इट्स कॉल्ड एयर प्रोफीफ्लेक्स। उससे क्या है, हम खाली एक एयर से सैंड ब्लास्टिंग की तरह दांतों को क्लीन कर देते हैं जिससे सारे स्टेन्स चले जाते हैं। फिर भी जो आपके कुछ ये पान मसाला के इतने पुराने स्टेन्स हो जाते हैं कि दांतों के बीच में क्रैक्स भी आ जाते हैं और उसके अंदर भी ये स्टेन्स चले जाते हैं। अगर तो ये आपके स्टेन्स एयर ट्रोफी से चले गए तो आपका इलाज उसी से हो जाएगा, जो ज्यादा महंगा नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दांतों को ब्लीच करा लें, उससे अगर स्टेन्स चले जाएं तो भी आपको हल मिल जाएगा। नहीं तो तीसरा उसका एक ऑप्शन है कि हम सिरामिक विनियर्स लगा के उन स्टेन्स को छुपा सकते हैं। वो जाते नहीं है, वो बहुत डीप होते हैं, तो हम उनको स्टेन्स को छुपा सकते हैं। तीनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल होगा आपके दांत को देखने के लिए, देखने के बाद हम आपको जरूर बता सकते हैं। चलिए, तो बात हुई कि किस किस तरह की समस्याएं दांतों में होती हैं और लोगों के सवाल भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आज भाई साहब स्टूडियो में रहने के लिए डॉक्टर एकता चड्ढा। क्योंकि स्वस्थ भारत कार्यक्रम में इजाजत इतनी ही देता है वक्त, फिलहाल के इतना ही, फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना, स्वस्थ भारत का ये सपना। तो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। आशियाना ढूंढने वाले अब नहीं होंगे परेशान, रेरा करेगा आशियाने के यमराज का इलाज।
बिल्डर्स के टॉर्चर का हुआ डैन। बायर्स की मर्जी के बगैर प्रोजेक्ट में बदलाव नहीं, तय वक्त पर मकान नहीं तो ब्याज का होगा भुगतान, अब होगा बिल्डर्स की चालाकियों का अंत। देखिए आज रात 10:30 बजे सिर्फ JK247 न्यूज पर, बायर्स जाएंगे अच्छे दिन। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे, रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। नमस्कार, स्वागत है आपका JK247 न्यूज पर, आपके साथ मैं हूँ भुवन शर्मा। सियासत के साथ दिन लेकर एक बार फिर से